एको चेत गवार काज तेरा आई, एको चेत याद करके अकाल पुरख वाई गुरु जिन्हें तेरे नाल जाना पाई, जिन्हें तेरे अंत में सहाय होना। अंदर संजो तास को जो अंत सहाय होए पढ़ा करो कुर्बानी। जो पिछले दिन कुछ दिन पहला सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में जाप रहे सन, उन्होंने नवे तक खंडपुर साहब के भोग के उपरंत अंतिम अरदास कीर्तन चल रहा। बहुत नेक ते वधिया इंसान सन, बड़े जुगती इंसान सन और बड़ी सेवक सन, लोगों के काम आने वाले इंसान सन। मैं समझता भी उन्होंने जान का बहुत वड्डा घाटा जिते परिवार को पिया, उत्थे समाज को ते लुकाई को बड़ा वड्डा घाटा पिया, क्योंकि बहुत नेक ते जुगती इंसान सी। पर क्योंकि गुरु साहब का फरमान है जो आया सो चल सी, सब कोई आई बारी है, किसी को आप रोक नहीं सकते। जो जिन्हें श्वास मुक्त उन्होंने जाना पैदा, क्योंकि आप श्वासा की पूंजी लैके आए, इस करके अब चले गए ने बड़ा बड़ा घाटा समाजिक तौर पर सामने पे। सतगुरु कृपा करके उन्होंने आत्मा अपने चलना। वाहेगुरु जी समा ज्यादा हो गया, पर यह समा बड़ा कीमती सीगा। पांच सत मिनट संगत होर बर्दाश्त कर लें, बहुत कीमती गल्लां होंदियां। ऐसे प्राणी के जान तो बाद दाने पुरशा ने तीन ये दसे कारण, एक संसार से जीव आ संगत की अरदास हुई है जाने न्याय फुल हो जाती है। दूजा उस महान आत्मा ने जो शुभ कर्म किए होंगे वो सानू कुछ चुगन की लोड़ होंगी। तीजा परिवार ना सांझ, पर संगत पांच सत मिनट होर सुनना ही चाहिए उन्होंने, क्योंकि सारे दरारे ने उन्होंने जीवन संबंधी एक एक गल बड़ी कीमती दसी है। मैं ज्यादा समा ना लवान, वो ऐसे प्रेम वाले पुरुष थे, सारे इदा लगता मेरे नाल सी, पर जो बंदा प्रेम का भरिया है वह हर एक नाल ही प्रेम का बिहेवियर करता, जो कुछ करके सारे पता। गुरु सतनाम वाहेगुरु, सारे सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम। इन्ना किदा होया मैं उन्हां दी ले अरदास संगत के नाल, मेरी अरदास है ऐसा रूहां परमात्मा आपके चरणों रखन, ते उन्होंने पाए हुए पूर्णियां ते परिवार नूं ते अपने जिहड़े उन्हां दे समकाली सोच दा सारिआं नूं ते करा दे। ओ कलम पीरोवे जस वीर कुरार दी, परिवार का विछोड़ा सहार देना गीत राही श्रद्धांजलि। इन्हें शब्द कहता है थोड़े तो जीवन का जाच का, वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की। उन्होंने पावन पवित्र गुरबाणी के बहुत सुंदर श्लोक है,
गुरु साहिब लिखते हैं पांच तत् कौ तन रचियो जन्म चतुर सजान जिहते उपजो नानका लीन ताहे मैं मान। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहते कि मनुखी शरीर पंजां तत्तां दा बनिया होया है, अगन हवा पानी आकाश ते मिट्टी। ते जदों मनुख संसार तों जांदा है ते पंजां तत्तां वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संग जी आवाज नहीं आई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मरण लखाए मंडल में आए गुरबाणी का फैसला है। जो इंसान आता है तो पहलों लिखा के आता है कि मरना जरूरी। इस करके जिस जगह पर मैं खड़ोता अज अपने वड्डे वीर भाई साहब जसवीर सिंह जी कलाल नो श्रद्धा के फुल भेट कर रहा है। इतने पता नहीं किन्ने होर श्रद्धा के फुल भेट करके गए। श्री वाहेगुरु जी की फतेह। साडे पिओं वर्गे अक्सर जी जदों भी साडे घरे जाना जां किते नाल जाना उन टाइम सुरेश आपां आ बंदे दा सन्मान करना जिदा गुरसेव भाजी दस के गए। उन्होंने मन दे विच बहुत लोगों प्रति श्रद्धा सी और वातावरण प्रति इन्नी श्रद्धा सी कि वो हर रुख नूं अपना बच्चा समझते सी और जिथे भी जाना रुखां दा सन्मान करना प्रसाद बड़े प्यार सरकार जी। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरबाणी का वचन है जे हा चिर लिखिया ते हा हुकम कमाए भले आवे ना कर सकते उठी रहे। नदी किनारे बदला बैठा केल करे केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पे। आप सारी संगतां इस दुखली घड़ी दे विच गुरु साहिब दी पवित्र मंडी दे विच जुड़ बैठे हो, आप सब दा धन्नवाद। उस महान परिवार
जैविक खेती ऑर्गेनिक खेती के निर्माता सत्कारजो जसवीर कुलाल जी की अंतम अरदास इकट्ठे हुए प्यारी सत्संग जी सब तो पहला रसना पवित्र करो। वाहेगुरु जी का खालसा शरदा के फुल तो जो घरों चले उदो मैं दे के ही चलिया क्योंकि मैं लेट से पा के ही चलिया बिल्कुल इतने ही करांगे आपां तुसीं थोड़ा चिर रुक जाओ उहदे विच साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सुरिंदर कौर बाड़ा मैडम इत्थे बैठे ने उन्हां दी एक मैरिज सी मोहाली वह पुस्तक लोक अर्पण करके श्री भैणी साहब की धरती तो असीं उत्थे मैरिज दे विच शामिल होए साढ़े पिंड तो जिहड़े आ वॉइस ऑफ पंजाब दे विच गुरकीरत राए वह भी उत्थे आए सन असीं भी उत्थे गए सी होर भी सारे असीं उत्थे गए सां ते मैं एक खाली की जगह के उत्ते खड़िया सी उन्हां दा ध्यान पै गया मेरे ते ते गुरसेवक सिंह खड़िया वह उत्थों सारे नूं एक पासे छड़ के मेरे कोल आ गए मैनू आ के कलावे दे विच लै लिया जफ्फी पा रही ते मैनू कहिंदे गुरसेवक सिंह एक यादगारी फोटो कर लईए फिर पता नहीं अपना समा आउणा कि नहीं आउणा फिर पता नहीं है कि फोटो खिचाउण दा टाइम लगना कि नहीं लगना जिवें उन्हां नूं पता सी कि मैं संसार तों चले जाणा।